राधे राधे। आप सभी को अपना एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे अपना एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना शुभ होता है, दान करने के क्या नियम होते हैं, साथ ही जानेंगे अपना एकादशी का व्रत किस लिए करना चाहिए, क्या इसका महत्व है, क्या लाभ है। जेठ माह के कृष्णपक्ष की एकादशी के दिन अपरा एकादशी मनाई जाती है, इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में सुबह तीर्थ स्नान और फिर भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का या वामन अवतार की पूजा करने की परंपरा है। साथ ही इस दिन में जरूरतमंद लोगों को अन्न या जलदान किया जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से बीमारियाँ और परेशानियाँ दूर होती हैं। इस एकादशी पर स्नान दान से गोमेद और अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के दिन कौन से दान करना शुभ होगा। अपरा एकादशी के ये 11 दान अत्यंत शुभ होते हैं। अपरा एकादशी के दिन तिल का दान करना शुभ होता है। साथ ही इस दिन अन्न दान करें, जल दान, मटके दान या सुराही दान के साथ अपरा एकादशी के दिन बिस्तर का दान करना शुभ होता है। साथ ही वस्त्र दान और चने और गुड़ या सत्तू का दान करना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। साथ ही इस दिन फल का दान किया जाता है। फल के दान में खरबूजा, तरबूज, आम, संतरा, अंगूर, नारियल सहित सभी रसीले फलों का दान किया जाता है। साथ ही इस दिन चांदी का दान करने का भी विशेष महत्व होता है। आप जानते हैं अपना एकादशी के दिन दान करते समय किन बातों का ध्यान करना है, दान करने के नियम क्या हैं। अपना एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान करना सोना, चांदी, हाथी और घोड़ों के दान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इन चीज़ों का अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान जरूर करें और चावल का दान नहीं करना है। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए और न ही किसी को चावल दान करने चाहिए। साथ ही प्लास्टिक की चीज़ों का दान नहीं करना है, कभी भी प्लास्टिक से बनी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए प्लास्टिक से बनी किसी भी चीज़ का आज के दिन दान ना करें और साथ ही स्टील के बर्तन का दान ना करें। कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है, इसलिए स्टील के बर्तन ना दान करें और साथ ही नमक का बिल्कुल दान नहीं करना है। एकादशी पर भूलकर भी नमक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का दान करने से आपको सन की 7.5 झेलनी पड़ सकती है। साथ ही मान्यता है कि नमक का दान करने से व्यक्ति कर्ज में भी डूब जाते हैं। इस दिन आप कपूर का दान कर सकते हैं। एकादशी पर कपूर का दान करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और नकारात्मकता का नाश होता है। साथ ही मौसमी फलों का दान करें। मौसमी फलों का दान या उनका रस दान करने से जीवन में शुभता फलित होती है और रस दान करने से दाम्पत्य जीवन में सरसता आती है। साथ ही अपरा एकादशी के दिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी का दान द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके देना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो सुपात के निमित्त दान रखकर संकल्प कर लेना चाहिए और फिर शुभ समय पर सुविधा अनुसार दे देना चाहिए। साथ ही एकादशी के अगले दिन पारण के बाद द्वादशी पर तीनों समय कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो ये थे अपना एकादशी के दिन करने वाले शुभ दान और दान करने के नियम। आप जानते हैं शास्त्रों में वर्णित अपना एकादशी से जुड़ी मान्यताएं क्या हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार अपना एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है तथा इस दिन गाय की सेवा करने से भी पुण्य फल प्राप्त होता है।
अपना एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में विस्तृत रूप से दिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से जिसका अर्थ है इस दिन किए गए व्रत के प्रभाव से अनेकों पुण्यों की प्राप्ति, महापातकों का नाश, ब्रह्म हत्या सदस्य आदि दोषों का शमन होता है। अपरा एकादशी व्रत करने से पापों का नाश होता है। माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से अज्ञातवश किए गए पापों का नाश होता है तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही इस व्रत को करने से मानसिक शांति मिलती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति तनाव तथा चिंता से मुक्त होता है। साथ ही इस व्रत को करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से शरीर की शुद्धि होती है और मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत को करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अपना एकादशी का व्रत करने से पुण्य फल मिलता है और सद्गत को प्राप्त करता है। तो ये था अपरा एकादशी व्रत करने का लाभ। इसीलिए हमें अपरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आप जानते हैं अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीज़ों का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सभी प्रकार के ऋतु फल चढ़ाने चाहिए, साथ ही गुड़ और चने की दाल का प्रसाद, खरबूजा, ककड़ी और मिठाई इत्यादि चीज़ों का प्रसाद अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर चढ़ाना चाहिए। आप जानते हैं अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायणाय विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये मंत्र अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का जप करने वाले हैं। और आप जानते हैं अपरा एकादशी के दिन व्रत में हम क्या खा सकते हैं। वैसे तो एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, परंतु अपरा एकादशी के दिन यदि एक समय का उपवास रख रहे हैं तो दूसरे समय शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। नहीं तो आप मूर्धन की खिचड़ी खाकर भी ये एकादशी कर सकते हैं। और अब जानते हैं अपरा एकादशी के दिन हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अपरा एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल खाना भी वर्जित है। साथ ही इस दिन अंडे या मांस नहीं खाना चाहिए और इस दिन मदिरापान नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन सेब फल या फली नहीं खाना चाहिए। तो अपरा एकादशी के दिन इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के दिन दूध पिया जा सकता है या नहीं। एकादशी के दिन दूध और जल का सेवन कर सकते हैं, हालांकि निर्जला एकादशी के दिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों के दिन पूर्ण उपवास भी रखते हैं। तो आपने जाना अपरा एकादशी के दिन हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। आप जानते हैं क्या अपरा एकादशी के दिन महिलाएं बाल धो सकती हैं। महिलाओं को एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। साथ ही उन्हें गुरुवार और अमावस्या के दिन भी बाल नहीं धोना चाहिए। और यदि आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। कहते हैं कि बाल धोने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और एकादशी का फल नहीं मिलता है। तो ये थे अपरा एकादशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि नारायण माँ लक्ष्मी का
आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अपना एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे दोस्तों अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसी सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी स्वास्थ्य समस्या को समझकर आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।